स्टूडेंट्स हाउ आर यू होप यू ऑल आर गुड आई एम लता मैम फ्रॉम प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 2 स्टेप बाय स्टेप वी हैव कंप्लीटेड टू पार्ट्स ऑफ दिस लेसन सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 3 ओके तो हमने दो पार्ट कर लिया था जिसमें हमने ये होममेड जो ट्रैप है वो किस प्रकार से बनाना है उसका ट्रांजिशन देखा था और उसके अलावा इसके जो ट्रू फॉल्स है वो हमने किए थे ओके जो फॉल्स सेंटेंस थे उनको हमने ट्रू में लिखा था तो उसके बाद उसके नीचे का जो सी है जो फेलियर का ब्लैंक्स है ओके पार्ट सी जो है उसको हम करने वाले हैं आज ये फेलियर का ब्लैंक्स है किस प्रकार से ब्लैंक्स हमें फिलअप करना है तो महेश प्रिपेयर्ड अ मॉस्किटो ट्रैप अब महेश है उसने मॉस्किटो ट्रैप बनाया है मॉस्किटो को पकड़ने का जाल बनाया है जो कि हमने ये वाला देखा था He is describing the steps. So, यहाँ पर उसने steps जो है वो describe किए हैं नीचे. Okay? तो आपको क्या करना है? वहाँ पर नीचे हमको bracket में उसके options दिए गए हैं. तो उसमें से हमको सही option choose करके लिखना है. तो पहला है I पे blank दिया है a bottle. तो पहले हम क्या करेंगे? Bottle लेंगे. एक bottle लिया उसने. ओके क्योंकि ये बना चुका है तो हमें ये जो सारे जो स्ट्रक्चर्स जो सारे वर्ब हम फिल अप करेंगे वो पास से ऐसे फिल अप करेंगे तो पहले क्या आएगा टू आई टू अ वाटर टेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है टुक होता है ओके उसके बाद आई फिर उसको क्या किया उसको काटा है बॉटल को आई कट द बॉटल विद सीजर्स तो पहले सेकंड में क्या आ रहा है कट आएगा कट का फर्स्ट फॉर्म भी कट होता है सेकंड फॉर्म भी कट होता है और थर्ड फॉर्म भी कट होता है और सीजर क्या है थीम है ओके तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा तो उसको क्या लिखेंगे हम सीजर को सीजर से लिखेंगे शॉर्ट खाली जगह में आएगा सीजर्स ओके उसके बाद आई ब्लैंक द कैप फिर क्या करेंगे उस कैप को हटाना होगा तो रिमूव रिमूव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा रिमूव रिमूव्ड ओके अगेन उसके बाद क्या करना है देन आई पुट द पार्ट ब्लैंक ऑन द बॉटल उसके बाद कौन सा बार पार्ट हमने बॉटल के अंदर डाला ऊपर का जो पार्ट था उसको नीचे डाला तो अपसाइड डाउन क्या हो जाएगा अपसाइड डाउन ऊपर का जो साइड है उसे नीचे की तरफ डालना है अपसाइड अपसाइड डाउन ओके उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आगे आई ब्लैंक बोथ द पार्ट्स फिर हमने क्या किया था उसमें देखा था ना जब ऊपर से नीचे डाल दिया उसको क्या किया था चिपकाया था तो आई ब्लैंक बोथ द पार्ट्स विद तो पहले स्टिच क्या जाएगा स्टिच एस टी आई टी सी एच ई डी ओके सेकंड फॉर्म स्टिच का क्या हो जाएगा स्टिच फिर बोथ द पार्ट किससे स्टिच किया जोड़ा किससे स्टिच यानी सिलना होता बट यहाँ पर हम जोड़ने की बात कर रहे हैं तो किससे जोड़ा गया था स्टिकी टैप ठीक है तो टैप है स्टिकी उससे जोड़ दिया तो एस आई सी के वाई स्टिकी टैप ओके तो उसे क्या किया स्टिकी टैप से उसे जोड़ दिया एंड माय ट्रैप वाज रेडी और मेरा जो ट्रैप है मेरा जो जाल था वो तैयार हो गया ओके तो इस प्रकार से ये ब्लैंक्स आपको फिलअप कर लेनी है उसके बाद इसके आगे की नेक्स्ट एक्टिविटीज निकाली एक्टिविटी नंबर 3 यहाँ पर हमको स्टिचिंग बटन्स अब बटन को किस प्रकार से सिला जाए उसकी प्रोसेस ली है ओके तो कौन कौन सी चीज उसमें चाहिए होती है तो रिक्वायर्ड थिंग्स है यहाँ पर निडल चाहिए थ्रेड चाहिए बटन चाहिए और पीस ऑफ क्लोथ कोई भी एक कपड़े का टुकड़ा चाहिए डायरेक्ट बटन जोड़ने मत बैठ जाना ओके सीखना हो तो पहले तो हमें एक वेस्ट क्लोथ चाहिए कोई भी कपड़े का टुकड़ा ले लो फिर बटन ले लो और उसके बाद धागा ले लो इतनी चीजें चाहिए अब स्टेप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या करना है टेक अ नीडल एक सुई ले लो टेक अ पीस ऑफ थ्रेड और एक जो धागा है उसका एक टुकड़ा ले लो पुट थ्रू द पॉइंटेड थ्रेड इन द नीडल आई नीडल आई यानी जो ऊपर की तरफ जिसमें धागा डाला जाता है ना उसमें हॉल होता है उसके अंदर हम धागे को डालते हैं तो उसको निशाना करके क्या करना है आपको उसके अंदर धागे को डालना है match both the ends of the thread और दोनों जो हमने धागा डाला तो दोनों जो किनारी होगी उसको क्या करना है हमको जोड़ना है धागा स्टार्ट के एक साइड से डाला फिर उस साइड से लेके नीचे हमें क्या करना है जोड़ना है एंड मेक अ नॉट और फिर क्या करना है वहां पर नॉट यानी गांठ बांधना
और फिर उसमें क्या करना है, गिठन लगानी है। पुट अ बटन एट द प्रॉपर प्लेस ऑफ द क्लोथ, क्लोथ में कपड़े में सही जगह पर आपको उस बटन को रखना है। पियर्स द नीडल फ्रॉम बीनीथ द क्लोथ, क्या करना है आपको, नीचे से स्टार्ट करना है, कपड़े के नीचे से आपको सुई को डालना है। मैच द बटन हॉल एंड नीडल पॉइंट, और बटन के अंदर जो हॉल दिए है ना, उस हॉल के अंदर उस बटन के पॉइंट हमारा जो सुई है उसको लेकर के जाना है। पास द नीडल थ्रू बटन हॉल, तो बटन के जो हॉल है उसके अंदर से सुई को ऊपर की तरफ निकालना है। स्टिच द नीडल टू द फुल लेंथ, और सभी जगह ऊपर नीचे ऊपर तक नीचे हमें सभी जगह पर सिलना है, जितने भी उसके अंदर हॉल है वहां पर। पियर्स द नीडल बीनीथ द बटन हॉल, और फिर उसके बाद जैसे हमने एक बार ऊपर निकाल दिया, ऊपर हमको जो बटन का जो हॉल दिखाई दे रहा है वहां से फिर हमें वापस नीचे की तरफ निकालना है। पियर्स इन अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स फॉर द 3 to 4 टाइम्स, 3 से 4 बार हमें ऊपर नीचे इस प्रकार सुई से धागे को निकालना है। इन द एंड, और जब इस प्रकार से अंत में 3 से 4 बार हो जाए, ब्रिंग द नीडल बीनीथ द क्लोथ, फिर तो नीडल है सुई को कपड़े के नीचे लेकर के ले आना है। टाई नोट्स बीनीथ द क्लोथ, फिर कपड़े में क्या करना है, वहां पर हमें गिठान लगाना है धागे से एंड कट द थ्रेड, और फिर उसके बाद धागे को काट देना है, यानी कि हमारा जो बटन है वो लग गया। ओके, इस प्रकार से आपको ये रीडिंग करना है। एक्चुअली इसका जो ये जो दिया है आप लोगों को सिर्फ रीडिंग के प्रोसेस से दिया है, तो आपको पढ़ लेना है एक बार अच्छे से। ओके, उसके बाद एक्टिविटी नंबर जो 4 है उसकी भी आपको रीडिंग कर लेनी है। ओके, फिलहाल आज हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।